दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले माय फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने फोटोग्राफी एक्सपोजर के जो तीन पिलर है अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, उसमें से हमने अपर्चर क्या होता है इसके बारे में तो जान लिया। इस वीडियो में हम शटर स्पीड के बारे में जानते हैं। दोस्तों हर DSLR में शटर होता है, वो कुछ देर के लिए ओपन होता है फिर बंद होता है। जितने देर के लिए ओपन होगा उतनी रोशनी अंदर आती है और वो रोशनी लेंस के थ्रू सेंसर को भेजी जाती है, सेंसर उसे रिकॉर्ड करता है फिर हमें एक बेहतरीन तस्वीर देता है। कभी कभी हमारा शटर स्पीड कम समय के लिए भी ओपन करना पड़ता है और उसमें कम रोशनी अंदर आती है। शटर स्पीड कितनी देर के लिए खुलना चाहिए, कितनी देर के लिए बंद होना चाहिए ये तय करती है उसकी गति। इसी गति को, इसी स्पीड को हम शटर स्पीड कहते हैं। शटर स्पीड तय करने के लिए दो बातें जरूरी है, एक तो हमारा उस टाइम पे हमें आने वाला जो सिचुएशन है वो एक, और दूसरा हमारा सब्जेक्ट। और ये सिचुएशन है एक फास्ट शटर स्पीड और स्लो शटर स्पीड। अभी हम चलते हैं फास्ट शटर स्पीड की तरफ। फास्ट शटर स्पीड में क्या होता है कि समझो अभी आपको किसी दौड़ती हुई, चलती हुई, भागती हुई चीजों को, इंसान या फिर किसी वस्तु को आपको फ्रीज करना है तो उस टाइम पे फास्ट शटर स्पीड का उपयोग किया जाता है। समझो आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, उस टाइम पे आपके सामने से एक कार गुजर रही है या बाइक गुजर रही है तो उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को आप अगर आपको फ्रीज करना है, उस कार को फ्रीज करना है तो आपको शटर स्पीड एक सेकंड का जो 500वां हिस्सा है, एक सेकंड का 1000वां हिस्सा है उसमें आपको सेट करना पड़ता है और उस टाइम पे आपको फास्ट शटर स्पीड उपयोग में लाना पड़ता है। फास्ट शटर स्पीड में हमारा जो कैमरे का जो शटर है बहुत कम समय के लिए खुलता है और उस टाइम पे जो बाहर की जो आने वाली जो रोशनी है वो कम समय के लिए अंदर आती है और आने के बाद हमें एक सेंसर उसे रिकॉर्ड करके जो एक बेहतरीन, एक वेल एक्सपोज तस्वीर हमें सेंसर देता है। फास्ट शटर स्पीड का और एक फायदा ये है दोस्तों कि उस टाइम पे शटर स्पीड ज़्यादा रहने के कारण हमारी जो फोटोग्राफ्स है वो बहुत ही शार्प आती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ जो फास्ट शटर स्पीड से ली गई है, तो उसका एक स्लाइड शो है, आप ये वीडियो देख लो आपको समझ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि फास्ट शटर स्पीड में फोटोग्राफ्स कैसे ली जाती है और किस तरह की होती है, तो आप ये वीडियो देखो। तो दोस्तों ये थे फास्ट शटर स्पीड का वीडियो। दोस्तों कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लाइट कम होती है लेकिन हमें फास्ट शटर स्पीड उपयोग में लाना होता है तो हम हमारा अपर्चर बढ़ाते हैं, फिर अपर्चर बढ़ाते हैं लेकिन उससे भी कुछ लिमिट है तो लिमिट होने के कारण हम ISO पे आते हैं। तो ISO में क्या होता है कि जब आप ज़्यादा ISO बढ़ाएंगे तो कम लाइट की वजह से आप ISO बढ़ाते हैं, ISO बढ़ाने के वक्त आपके फोटो में ग्रेन्स आने का संभव होता है। अभी ISO क्या होता है हम आने वाली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तो दोस्तों ये थे फास्ट शटर स्पीड का बारे में जानकारी, अभी हम चलते हैं स्लो शटर स्पीड। दोस्तों कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फोटोग्राफी करते समय लाइट की जो मात्रा है, लाइट मतलब आपको कम मिल रहा है, जो लाइटिंग है वो कम अवेलेबल है तो उस टाइम पे आपको शटर का जो स्पीड है वो स्लो रखना पड़ता है। स्लो शटर स्पीड कैलकुलेट करते हैं एक सेकंड के 50वां हिस्सा, एक सेकंड का 40वां, 30वां, ऐसे करते करते 30 सेकंड का शटर स्पीड आप यूज में ला सकते हैं। दोस्तों स्लो शटर स्पीड में क्या होता है कि हमारे शटर को ज़्यादा समय मिल जाता है कि बाहर की जो भी गतिविधियाँ है, जो भी मूवमेंट हो रही है वो उसे रिकॉर्ड करता रहता है और रिकॉर्ड करने के बाद वो सेंसर को भेजता है और सेंसर को भी ज़्यादा समय मिल जाता है उस चीज़ों को, उस बाहर की जो मूवमेंट है उसे कैप्चर करने में। तो
तो उस टाइम पे हमारा शटर स्पीड ज्यादा देर के लिए खुला रहता है। ज्यादा देर के लिए शटर स्पीड खुला रहेगा तो हमारी जो आने वाली जो फोटो है उसमें एक अलग तरह का ड्रामेटिक इफेक्ट आ जाता है। समझो रात के वक्त जो तारों के फोटो खींचते हैं तो आपने देखे रहेंगे या मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। फिर दूसरा है लेक साइड व्यू, जब आप किसी झरने का फोटो खींचते या फिर किसी तालाब का तो उसमें एक मिल्की व्हाइट का एक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। और या फिर आप रोड के साइड में खड़े हैं और उस टाइम पे आप स्लो शटर स्पीड की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो जो गाड़ियां जा रही है तो उसकी जो हेडलाइट है उसमें जो जिस तरह की जो गतिविधियां होती है उसे वो रिकॉर्ड करके हमें एक अलग तरह की फोटोग्राफ्स हमें देखने को मिलती है। उसका वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये वीडियो देख लो। तो दोस्तों ये था स्लो शटर स्पीड के कुछ एग्जाम्पल। स्लो शटर स्पीड में क्या होता है दोस्तों कि शटर को ज़्यादा देर के लिए खुला छोड़ना पड़ता है तो कभी कभी वो बहुत देर के लिए या फिर ज़्यादा समय के लिए वो खुला छोड़ना पड़ता है। तो उस टाइम पे आपको कैमरे को हाथ में लेके उस टाइप की फोटोग्राफी करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको आपका जो हाथ है वो हिलने का जो संभव होता है या फिर शेक करने का संभव होता है तो उस टाइम पे आपको ट्राइपॉड लेना ज़रूरी है और ट्राइपॉड पे आप कैमरा रखो और उस टाइप की फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो आप किसी फिक्स जगह पे कैमरे को रखो और उस टाइप की फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि स्लो शटर स्पीड को ज़्यादा समय के लिए खुला छोड़ना पड़ता है, मतलब DSLR में जो शटर स्पीड दिया रहता है 30 सेकंड का, आपको उससे भी कम वाला शटर स्पीड चाहिए रहता है और स्लो शटर स्पीड आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए चाहिए रहता है। तो आपको आपके DSLR कैमरे का जो डायल का मोड है उसमें आपको मैनुअल मोड में जाना पड़ता है और उसमें आपको बल्ब का एक सेटिंग है उसमें आपको क्लिक करना पड़ता है। बल्ब मोड में अगर आप फोटोग्राफी कर रहे और आप उसका यूज कर रहे तो उस बल्ब मोड से बाहर आने के लिए उस शटर को रिलीज करने के लिए आपको रिमोट का ही सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा विषय शटर स्पीड। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाओ जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।